हाय, तो इस सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जियोडेसी, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले जियोडेसी किससे स्टार्ट करते हैं। तो जियोडेसी है क्या? जियोडेसी, सो जियोडेसी इज़ एक्चुअली अ साइंस विच डील्स विद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? ऑफ अर्थ शेप एंड साइज। अर्थ की शेप और साइज़ की जो स्टडी है उसकी साइंस को हम कहते हैं जियोडेसी। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ कुछ इस तरीके से दिखने में, ये एक्चुअली स्फीयर नहीं है, स्फीयर जैसी है। तो अगर हम डायरेक्शंस बने, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो ये ईस्ट से वेस्ट वाला जो डायमीटर है, इसकी लेंथ है हमारी 12,756 किलोमीटर्स, और ये जो नॉर्थ और साउथ की डायमीटर है, ये डायमीटर है हमारा 12,714 किलोमीटर्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा डायमीटर है, पोलर डायमीटर यानी कि नॉर्थ से साउथ वाला, इसकी हमारी लेंथ है टोटल 12,714 किलोमीटर्स, जबकि हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल डायमीटर, इसकी लेंथ है हमारी 12,756 किलोमीटर्स। तो इन दोनों डायमीटर्स में जो डिफरेंस है, इसी वजह से हमारी जो अर्थ है वो टोटल स्फीयर नहीं है बल्कि स्फीयर जैसा है। तो इसलिए इसकी जो हमारी शेप है, जो अर्थ की शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये चिपटी हुई है, थोड़ी ऑब्लेटेड है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लेटेड या ऑब्लेट स्फीरोइड, ROID, ऑब्लेट स्फीरोइड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पोलर डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा कम है किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल डायमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा, इसकी जो ये शेप है ऑब्लेट स्फीरोइड, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम जियोइड भी बोलते हैं। जैसे स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है ना, ये ओवल है, उसी तरह ये जो हमारे अर्थ की शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड। अब इसका रीज़न क्या है, ये जो हमारी अर्थ है इसका चपटेपन का रीज़न क्या है? हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना। अब जो भी चीज़ रोटेट करती है उसके उसमें सेंटर से एक फोर्स लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारा जो अर्थ है उसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर वो ज़्यादा है पोलर डायमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारे अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है, जिसे ऑब्लेट स्फीरोइड भी बोलते हैं, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑलराइट, तब बात करते हैं हमारे लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी टू डायमेंशनल प्लेन है ना, ये बचपन में ग्राफ्स वगैरह बहुत बनाए हैं अपने, तो अगर इसमें हमें कोई भी कोऑर्डिनेट मैप करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स और वाई, है ना। तो अगर इसी मैप को हम डिवाइड कर दें हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइंस में, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या कहलाएंगी, इन्हें हम कहेंगे लेटिट्यूड। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है लेटिट्यूड, और जो ये वर्टिकल लाइंस है इन्हें हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लेटिट्यूड क्या है, लेटिट्यूड है हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड है हमारी ये वर्टिकल लाइंस। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको मार्क कर दें, लेट से ए बी सी डी एंड ई, इसको भी मार्क कर दें ए बी सी डी
ई एफ एंड जी। तो अगर हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करना है इस 2D प्लेन पे, लेट से दिस पॉइंट, तो इसको हम लोकेट करते हैं, कर सकते हैं इजीली। कैसे, क्या है इसका, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी कॉमा ई, राइट। अगर हमें ये कोऑर्डिनेट लोकेट करना है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी कॉमा ए, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ऐसी जो हमारी अर्थ है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, अब इस पे आपकी लोकेशन को मैप करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट दो पॉइंट्स चाहिए, है ना, ताकि हम बता पाएँ कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो लैटिट्यूड से स्टार्ट कर दें, लैटिट्यूड एक्चुअली में है क्या, लैटिट्यूड एक एंगल है जो कि कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रॉम अर्थ के सेंटर से। जैसे ये एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ये अर्थ है, इसको हमने बीच से काट रखा है, ठीक है। अगर हम इसके सेंटर से, ये है इसका सेंटर, यहाँ से कोई एक एंगल बनाएंगे, अभी ये वाला एंगल कौन सा होगा, इसी के कंपैरिजन में ये एंगल कौन सा है, 0 degrees, राइट। अगर हम इससे, अच्छा हमारी लोकेशंस क्या क्या हैं, ऊपर है हमारा नॉर्थ, नीचे है अपना साउथ, तो अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो ये हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया, लेट से ये एंगल है हमारा 10 degree का, है ना, 10 degrees, और ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हम इसके आगे लिख देंगे एन, ठीक है। तो ये जो हमारा ये 0 degree है, इसको हम एक तो बोलते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या करता है, इसने हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे ही जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, ये 20 degrees, 30 degrees, इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, सबसे ऊपर हमारा कितना होगा, 90 degrees। इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे तो 10 degrees, अब ये किस कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न में, तो एस लगा देंगे, ये कौन से हेमिस्फीयर में, 20 degrees साउथ, इसी तरह एंड सो फोर्थ, 90 degrees साउथ, राइट। अब क्या है कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे 90 degrees से, चाहे नॉर्थ की बात कर लें या चाहे साउथ की बात कर लें, और उसका रीज़न क्या है, लेट से हम आगे गए, है ना, लेट से ये था हमारा 75 degrees ऑफ नॉर्थ, हम अगर आगे भी एंगल बना रहे हैं तो ये घूम के कहाँ पे आएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इक्वेटर एंड ये साउथ में, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने एंगल्स बनेंगे, हमारे टोटल एंगल बनेंगे एक 90 degrees नॉर्थ में, प्लस 90 degrees साउथ में, प्लस एक ये 0 degree वाला एंगल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटर। तो टोटल एंगल कितने हो गए हमारे, एंगल हो गए हमारे 90 नॉर्थ के, 90 ये नॉर्थ के एंगल हैं, ये साउथ के, और एक 0 degree का, ये कौन सा है, इक्वेटर। तो टोटल हो गए 181 angles, ठीक है। अब यहाँ से ये जो लाइंस निकलेंगी, ये नॉर्थ में और साउथ में भी, इनको, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इन लाइंस को हम बोलेंगे लॉन्ग लैटिट्यूडनल लाइंस, है ना। और ये लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, अच्छा हमारे पास एंगल्स हैं 90 0 1 से लेके, एक मिनट, 1 से लेके 90 एंगल्स हैं हमारे नॉर्थ के, प्लस 1 से लेके 90 हमारे एंगल्स हैं साउथ के, प्लस एक एंगल है हमारा इक्वेटर का। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारा 90 डिग्रीज ऑफ साउथ है और 90 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ है, इसमें तो कोई लाइन बनेगी नहीं, तो इसलिए हमारी टोटल लाइंस कितनी बनेंगी, लैटिट्यूडनल लाइंस, ये हो गई हमारी 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में, ये एक एक कहाँ गायब हो गई, ये 90 माइनस 1, ये 1 है पोल्स की, ये नॉर्दर्न पोल,
90 माइनस वन ये गायब हो गए कहाँ से, साउथ पोल से, प्लस एक है इक्वेटर की, तो टोटल कितने हो गए 179। तो हमारी लेटिट्यूडनल लाइंस बनेंगी 179 और लेटिट्यूड्स कितने होंगे 181। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है ना, हमारे पास लेटिट्यूड्स आ गए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके साथ ही हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए ताकि हम इक्वेशन को, पोजीशन को एक्चुअल में मार्क कर पाएँ। अभी तक हमें इतना पता चल गया कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं या सदर्न हेमिस्फीयर में। लेट से अगर कोई बोलता है कि मैं 13 डिग्रीज नॉर्थ में बैठा हुआ हूँ, तो हमें पता लगेगा कि वो 13 डिग्रीज कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा 13 डिग्रीज, और उसका कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें हेमिस्फीयर तो पता चल गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एक लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। अच्छा, लैटिट्यूड था हमारे पास, अब हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड, है ना। तो अब देख लेते हैं, अच्छा ये हम मैप में भी देख सकते हैं, जो हमारे लैटिट्यूड है वो क्या है, ये 0 से लेके ये जो लाइन बनी है ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, अब 90 से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे फिर से हमारे एंगल जो हैं रिपीट होने लग गए। ठीक है ना, 75 60 45 30 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड लेट्स से ये हमारी अर्थ है ना। अभी तक हमने एंगल जो बनाए थे लेटिट्यूड के केस में वो कहाँ से बनाए थे, नॉर्थ से साउथ में। अब जो लॉन्गिट्यूड के केस में हम एंगल्स बनाएंगे वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, ये हमारी ईस्ट है ये वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम अर्थ के सेंटर से, ये 0 डिग्रीज है, इस बार अगर हम एंगल बनाएं ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में तो उन्हें हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड्स, वो हमारे कौन से एंगल्स हैं, वो लॉन्गिट्यूड है। तो यानी एक हम सीधे अगर हम यहाँ से लेके आते हैं, ये यहाँ से पीछे वाला भी रहने देते हैं, आगे से देखते हैं 0, तो ये है हमारा 0 डिग्रीज। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा 10 डिग्रीज, और क्या है ईस्ट की तरफ तो ई, ये है हमारा 30 डिग्रीज ईस्ट, ये हमारा 90 डिग्रीज ईस्ट। इससे हम पीछे जाएंगे तो ये क्या है, अलग हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, तो ये घूम के वापस नहीं आएगी, इसीलिए ये कितना हो गया 120 डिग्रीज ईस्ट, ये 150 डिग्रीज ईस्ट, 150, और ये 180 डिग्रीज ईस्ट। अच्छा, ये जो 180 डिग्री है इसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब हम इधर वेस्ट की तरफ आएंगे तो ये 10 डिग्रीज वेस्ट, ये 30 डिग्रीज वेस्ट, है ना, ये 90 डिग्रीज वेस्ट, इसी तरह ये 120 150 डिग्रीज, और ये जो 180 डिग्री है ये शेयर्ड है ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी। सिमिलरली ये जो 0 है वो शेयर्ड है, इसमें हम कोई भी ई या डब्ल्यू नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये जो हमारी लाइंस हैं ये जो निकलेंगी वो कौन सी हैं, उन्हें कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, है ना। और ये जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री ये प्राइम है सबका, तो इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री है उसको हम कहेंगे क्या, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको, ये तो हम स्फीयर में देख रहे हैं ना, अगर हम इसको खोल दें, इसकी शेप को चेंज कर देते हैं कलर को, ठीक है, अरे चलो कोई नहीं, अगर हम इसको खोल दें तो ये जो हमारा 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से कहीं से जाएगा, है ना। इसके आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, ये 10, ये 20, ये 30, 90, 120, है ना, 179, और ये जो आएगा एंड में ये क्या है, 180।
इसी तरह जब हम वेस्ट, ये ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, इसी तरह जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये 10, ये 20, 30 एंड सो एन एंड सो फोर्थ, लास्ट में आएगा क्या 179, और ये जो है ये 180, और ये जो 180 है ये क्या है, ये कॉमन है, शेयर्ड है दोनों के बीच में, है ना। अच्छा एक और चीज़ जो हम ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम होता जा रहा है ना। जो हमारा लेटीट्यूड था, लेटीट्यूड में ये जो डिस्टेंस है दो लेटीट्यूडनल लाइंस के बीच में, ये फिक्स था, और ये कितना है, दो लेटीट्यूड्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारा 180 डिग्रीज का एंगल है ये कॉमन है, और 0 डिग्री जो है वो कॉमन है। दूसरी चीज़ जो हमारा डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में, वो आप देख सकते हो वो क्या है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम होगा हमारा इक्वेटर पे, और ये कितना होगा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये हमारा मैक्सिमम होगा कहाँ, इक्वेटर पे, और कितना होगा 111.321 किलोमीटर्स, या फिर इसको सिंपली 111.3 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। और ये मिनिमम है कहाँ पे, पोल्स पे, क्यों, क्योंकि ये लाइंस पास आती जा रही हैं और ये पोल्स पे जाके मिल जाएंगी, तो 0 किलोमीटर्स, ठीक है। अच्छा हमारे टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए, तो 0 से लेके 179 डिग्रीज ईस्ट में, 0 से लेके 179 डिग्रीज वेस्ट में, है ना। 0 डिग्री यहाँ पे क्या है, कॉमन है, और इसके साथ साथ 180 डिग्रीज भी कॉमन है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 179 ईस्ट, 179 वेस्ट, एक इक्वेटर का, सॉरी एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और एक 180 डिग्रीज, टोटल हो गए 360, कितने 360 हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, और 360 ही हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड से एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन ये कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रहा है ना। तो ये प्राइम मेरिडियन अगर हम कॉन्टिनेंट्स देखें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से क्रॉस होता है यूरोप, और नीचे अफ्रीका से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और लास्ट में एंटार्क्टिका, है ना। और जो हमारे ओशियन से, कौन कौन से ओशियन से क्रॉस होता है, आर्कटिक ओशियन सबसे ऊपर, बीच में हमारा यहाँ पे क्या आता है, अटलांटिक ओशियन, स्पेलिंग गलत हो गई है, क्या है हमारा अटलांटिक ओशियन, और ये सबके साउथ में क्या है, सदर्न ओशियन, स्पेलिंग गलत है, एक बार देख लूँगा मैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से ओशियन है, आर्कटिक, अटलांटिक और सदर्न, तीन ओशियन से क्रॉस होता है, और तीन कॉन्टिनेंट से, कौन कौन से, यूरोपियन, अफ्रीकन और एंटार्क्टिका। अच्छा अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ये जो है हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हमारी तीन कंट्रीज से क्रॉस होता है, ये हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, तीन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यूके, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये हमारा पांच कंट्रीज से क्रॉस होता है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ठीक है। तो टोटल आठ कंट्रीज से पास होता है, तीन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और पांच अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जियोडेसी लेटीट्यूड क्या होता है, कहाँ लेटीट्यूडनल लाइंस क्या होती है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इन सब के बारे में बात कर ली।
ये एक लास्ट में हम जल्दी से देख लेते हैं, ये लेटिट्यूड है, ये हमारे अर्थ के सेंटर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारे एंगल्स हैं, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, अर्थ के सेंटर से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारे एंगल्स हैं, ठीक है।